मीठी ईद हो गई ठंडी ठंडी। मुल्तान में सुरमई बादलों के डेरे, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों ने ईद को कर दिया खुशगवार। सुहाने मौसम में ईद के दूसरे दिन भी होगी खूब मौज मस्ती। बच्चों ने सैर सपाटों के प्रोग्राम बना लिए। मुल्तान और डीजे खान में बादलों ने मौसम को और भी रंगीन बना दिया। मौसम की अंगड़ाई के साथ ही शहरियों ने किया लजीज नाश्ते की दुकानों का रुख। किसी ने खाई निहारी तो कोई लुत्फ अंदोज हुआ नानचनों से। हलवा पूरी और लस्सी भी शहरियों का धावा। किसी ने वहीं खाया तो किसी ने पैक कराया। मीठी ईद पर मौसम हुआ खुशगवार तो शहरियों ने किया दरिया सिंध तोनसा बैराज का रुख। कोटद्दू में बच्चों ने दरिया सिंध के किनारे लगे झूलों से खूब मजे लिए। मुख्तलिफ पकवानों के स्टॉल्स ने किया आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो। बच्चा पार्टी की ईदी तो हो गई खूब जमा, अब वक्त है मौज मस्ती का। बच्चों ने बना लिया प्लान, पार्क और चिड़ियाघर जाने का, लेंगे झूले और करेंगे खूब मस्ती। मुल्तान में ईद के हवाले से पार्कों में लगे झूलों का मामला। शाह शम्स पार्क, जिना पार्क और चना पार्क में 10 झूले खतरनाक करार देकर ईद पर बंद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए पार्कों का दौरा किया। मोहब्बत और अकीदत का इजहार यूं तो किसी बहाने का मोहताज नहीं, मगर बहाने से प्यार का इजहार कर भी दिया जाए तो क्या बुरा। जिंदगी के सर्द गर्म मौसमों में बच्चों की परवरिश करने वाली अजीम हस्ती से मोहब्बत का इजहार करने के लिए दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ईदी होम में रहने वाले बुजुर्ग वालदैन के सीनों में न जाने कौन कौन सी दास्तानें छुपी हैं। किसी को औलाद ने घर से निकाल दिया तो किसी को बीमारी ने अकेला छोड़ दिया। इन बुजुर्गों की आंखें ईद के रोज भी अपने प्यारों की मुंतजर। ईद के पुरमसरत मौके पर अहम सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से शहरियों के लिए मुबारकबाद के पैगाम। ईद की खुशियों में गुरबा को भी साथ शामिल करने का पैगाम। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद एक खुशी का मौका है। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। दिल की अतागराइयों से ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। सबको ईद मुबारक। जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, अगर आप ईद उनके साथ मनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी ईद और दुबाला हो जाएगी। अहलियान रहमिया को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। और रसेब दे तमाम ओ तबकात जड़े महरूम इन कह भी वजह तू वसायल ना होने की वजह तू उन्हों को भी अपनी खुशियाँ शामिल करूँ। कहरोड पक्का में सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर आजाद उम्मीदवार राणा सुहेल नू ने मुस्तक अफराद में राशन तकसीम किया। इस मौके पर राणा सुहेल का कहना था कि दुख सुख के मौके पर मुस्तक अफराद को ख्याल रखना चाहिए। लियाकतपुर महर माइंस 20 फीट चौड़ा शिगाव पड़ गया। शिगाव के बाद सैकड़ों एकड़ खड़ी कपास की फसल जेरे आब। महकमा अनहार का अमला 7 घंटे बाद भी शिगावपुर करने ना पहुंच सका। लोग अपनी मदद आपके तहत शिगावपुर करने में मसरूफ। और ईद की मीठी मीठी खुशियों के साथ रोही की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद के मौके पर हुई हल्की फुल्की गपशप। गुलूकार सोमन शेख, क्रिकेटर सुहेब मकसूद, डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल, डॉक्टर एजाज मसूद, डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान सईद लगारी, एसएसपी नेशनल हाईवे गुलाम जाफर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर आसिफ, कॉलम निगार खालिद मसूद, साबिक एमपी शहजाद मकबूल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा उस्मान भट्टी बने रोही के मेहमान। महफिल मुशायरा में शोरा ने अपना कलाम सुनाकर खूब दाद वसूल की। कर लिया एक मोहब्बत में गुजारा मैंने, चाहता था कि मैं पूरा बितवाऊं तुझको, तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना।